ये परिखबर जनपद शामली से है। जिजाना नगर पंचायत में तहसील के SDM ने एक टीम बनाकर पहुंची, जहां पर बता दें कि उन्होंने प्रतिबंधित दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 6 से 7 दुकानों को पूरी तरह से सीज कर 5,000 रुपये का जुर्माना भी कर दिया। वहीं व्यापारियों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू को खुलने वाली सभी प्रतिबंधित दुकानों पर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। नगर में बिना मास्क लगाकर घूम रहे 15 से 20 लोगों को चलानी कार्रवाई करते हुए कोरोना कर्फ्यू का भी पालन न कराकर फटकार लगाई गई है। SDM मणि अरोड़ा ने नगरवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए सभी लोग अपने अपने घर पर रहकर सरकार के नियमों का पालन करें। बेवजह घर से नहीं निकलना है, जरूरी कार्य के लिए आप सभी लोग अपने घर से निकले, सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी, जनपद शामली। मैं मणि अरोड़ा, SDM ओन, आज मेरे द्वारा सहायक क्षमायुक्त के साथ टीम बनाकर नगर पंचायत झिंझाना के मेन बाजार में छापेमारी की कार्यवाही की गई। क्योंकि कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ है और उसमें कुछ जो दुकानें हैं प्रतिबंधित हैं जिन्हें नहीं खोला जा रहा है, तो वहाँ पर कई शिकायतें मिलने के बाद बहुत सारी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ प्रतिबंधित दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत हमने वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की और लगभग 6 से 7 दुकानें उनको आज सील कर दिया गया है और कम से कम 5,000 रुपये का प्रति दुकान जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ साथ 15 से 20 लोगों पर जो बिना मास्क के घूम रहे थे उन पर भी चालान की कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बेवजह बाहर ना घूमें और कर्फ्यू का पूर्णतः पालन करें। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना